गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा स्टील के JET के एग्जाम के बारे में। जो भी डिस्कस करेंगे JDM कॉलेज रांची के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले बता दें कि टाटा स्टील वाले हम लोग को पागल बनाते हैं और कुछ भी नहीं करते गाइस। सो रियलिटी बात है, जो भी बताऊंगा JDM कॉलेज के बारे में बताऊंगा, वहाँ का ही एनालिसिस करूंगा, क्वेश्चन वगैरह जो भी है, ठीक है। और इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो पहला नोटिफिकेशन गाइस मेरा होगा, सो बेल आइकन को दबाना भूलिएगा नहीं। देखते हैं आगे की ओर। मैं बता दूं कि एग्ज़ाम देने में कोई भी फायदा नहीं है यार, सिर्फ बेकू बनाते हैं टाटा वाला और कुछ भी नहीं करते हैं। जो भी बता रहा हूँ ऑडियो बता रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा, उसके बाद क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आगे कुछ बताएंगे, सो आप लोग ज़रूर सुनिएगा। देखते हैं आगे की ओर। सर मैं राजू बोल रहा हूँ सर। कहाँ से? आज सर झारखंड से। अच्छा अच्छा, हाँ बताइए। सर आज मेरा एग्जाम था टाटा स्टील का। हाँ मैं माइनिंग ब्रांच का हूँ, तो मैं एग्जाम देने गया सुबह। हाँ हाँ सर, साढ़े चार बजे से मेरा एग्जाम था शाम को। शाम को? अच्छा ठीक है। तो सर वहाँ तो मतलब यार कुछ पता ही नहीं चल रहा, पूरा धांधली लगा रखा है इन्होंने। मतलब पूरा ना तो एडमिट कार्ड चेक किया, ऐसे ही बोला कि भाई जो जो फॉर्म भरा है ऑनलाइन वो लोग आए हैं ना, तो सारे ने बोला हाँ आए हैं। तो फिर बोला ठीक है अपना अपना सीट देख के जो जहाँ जिसको पसंद है वहाँ बैठ जाओ, पहली बात तो ये। तो फिर और कोई चेकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, सारे अपने फोन लेके बैठे रहे थे, सारा गूगल कर रहे थे। और हम तो फोन मतलब रूम पे ही छोड़ के चले आए थे, तो सारे बैठ के अपने फोन से मतलब गूगल कर रहे थे। टीचर नहीं था सेंटर पे, टीचर घूम रहे थे बस ऐसे ही, बस दिखा एग्जाम आने के लिए घूम रहे थे। एग्जाम ऑनलाइन था कि ऑफलाइन था? एग्जाम ऑनलाइन था। तो सिस्टम पे कैमरा वगैरह सब कुछ तो लगा होगा ना? तो सिस्टम पे कैमरा लगा हुआ है ना सर, मतलब ये रूम में लगा होगा, रूम वगैरह में लगा होगा ना? कुछ नहीं, सारा कुछ बंद था सर, सारा कुछ बंद। आपका जैसे जाते हैं एंट्री होता है तो पहले आपका मतलब जो होता है ये आधार कार्ड वगैरह कुछ तो मांगा होगा ना आपका? कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, सब बस दो कॉपी मंगाए था एडमिट कार्ड का, एक कॉपी दो कॉपी मंगाए था एडमिट कार्ड का, एक कॉपी अपने पास रखी है और एक कॉपी वापस कर दिया। और बस यहाँ तक कि चेक भी नहीं किया, बस ये बोला कि सारे बंदे जेन्युइन है जो यहाँ पे आए हैं, तो सबने बोला हाँ जेन्युइन सारे, तो बैठ जाओ जहाँ जिसका मन करता वहाँ बैठ जाओ। और बोला कि मतलब सिस्टम पे कोई गूगल नहीं करता, ठीक है। और बाकी सारे फोन लेके बैठे हुए सारे गूगल मैंने खुद देखा अपने मेरे अगल बगल सारे। अच्छा अच्छा, मेरे अगल बगल सारे मतलब ये चीटिंग कर रहे थे फोन से। अच्छा। हम तो अपना फोन रूम पे छोड़े गए थे कि मैं सोचा कि ऑनलाइन एग्जाम है तो फोन तो लेके जाया नहीं देगा, तो हम रूम पे छोड़ दिए थे। सेंटर का नाम क्या है? सेंटर का नाम है JDM कॉलेज रांची सर, हॉट लिप्स है वहाँ पे। लिप्स है वहाँ पे आपका लैंडमार्क हॉट लिप्स पड़ता है। अच्छा, वहीं पे JDM कॉलेज में सेंटर पड़ा था टाटा स्टील का। अच्छा सर, और वहाँ पे लिखा हुआ था कि साढ़े चार बजे के बाद एंट्री नहीं है। कुछ नहीं, ऐसा नहीं हुआ, साढ़े चार बजे एक बंदा आता है आराम से अपना सिस्टम खोलता है, बैठता है आराम से अपना पेपर पूरा करता है, ठीक है, एक घंटे में और निकल जाता है। कोई यहाँ पे ना स्ट्रिक्टनेस है, मैनेजमेंट लेवल बिल्कुल जीरो है, मतलब पूरा धांधली हुआ है, पूरा धांधली। मतलब जो मन में आए वो बच्चा भी जाके बैठ सकता है कुछ, मतलब एक तरह से नहीं 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 हाँ चेकिंग कोई भी जाके बैठ सकता है, वो आप भी बैठ जाके बैठ सकते, कोई भी बच्चा बैठ सकता है। ओके हमें हम आपको पार्ट। सो गैस आप लोग सुन ही लिए होंगे कि कैसा था एग्जाम, मोबाइल भी अलाउ था आपका एग्ज़ाम है। हमको लग रहा है अगर आप अपने किसी साथी को भी ले जाइएगा तो वो भी जाके बैठ सकता है। ये सरासर फेक एग्ज़ाम है यार। मैं रियलिटी एक बात बताऊं, मैं जो लास्ट में बताऊंगा इससे पहले क्वेश्चन बता देता हूं। क्वेश्चन का जो लेवल है चाहे रीजनिंग बता के कोई फ़ायदा ही नहीं है यार, मैं तो यही बताऊँगा। यहाँ जब बोल रहा है मोबाइल अलाउ है तो क्या एनालिसिस, आप मोबाइल ले जाके भी कर सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल ही बता रहा था, आउट ऑफ सिलेबस है, और आउट ऑफ सिलेबस क्या बता रहा था कि ES लेवल का, IAS लेवल का कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो, ठीक है। और इंग्लिश का बात करें बिल्कुल बोल रहा था, बैंक का लेवल का इंग्लिश था गाइस, सो इंग्लिश वगैरह ऐसे ही था। रीजनिंग नॉर्मल ही था, रीजनिंग का अगर बात करें तो नॉर्मल ही था रीजनिंग, ठीक है। सो डोंट वरी, रीजनिंग का टेंशन नहीं लीजिएगा। GK भी कुछ ऐसे ही बता रहा था कि थोड़ा सा
बिल्कुल ही बोला था वो लड़का कि मुझे आउट ऑफ पूछा गया है, ठीक है, जो नई सिलेबस से बाहर ही सीधा मुझे बता रहा था। वो इंग्लिश भी कुछ ऐसे ही बताता है, इंडस्ट्रियल ट्रेड से क्वेश्चन आया था, वो माइनिंग से था वो स्टूडेंट, सो मुझे माइनिंग के बारे में बता रहा था, बट मुझे माइनिंग के बारे में इतना आइडिया नहीं है, सो मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं किया। ठीक है, मैथ का बताऊँ, सो मैथ बिल्कुल ही एप्टीट्यूड था, जिसमें वो बता रहा था परसेंटेज प्रॉफिट लॉस वगैरह जो भी था वो सब आया था, जो नॉर्मली आता है। ठीक है, और वो मुझे सिर्फ वही बोला कि सर आउट ऑफ सिलेबस था बिल्कुल ही, और आप ऐसा कुछ खास ही मुझे नहीं नज़र नहीं आया, क्योंकि जब मन जो मन जिसको जो मन हो वो कर रहा है। ठीक है, सो मुझे भी ऐसा फील हो रहा है। बाकी बात करें मैकेनिकल का, तो मैं कुछ आज नहीं बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, सो रीजनिंग वगैरह आप लोग अगर जाते हैं एग्जाम देना जाना चाहते हैं तो आप लोग जाइए। ठीक है, और रीजनिंग वगैरह जो भी है बेसिक पढ़ कीजिए, जो पढ़े हैं वही पढ़िए, उसी को रिवीजन कीजिए। जीके भी वही जो पढ़े हैं उसी को रिवीजन करिए। इंडस्ट्रियल ट्रेड अगर पढ़ लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे नहीं पढ़ के भी जाते हैं, बोलते हैं यार 100 क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चन यही होगा ना, इसीलिए से छोड़ देंगे। सो ऐसे नहीं है, अगर आप लोग पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, बाकी बात मैं नहीं बताऊंगा उसके बाद। इंग्लिश बता रहा था बैंक का लेवल का आ रहा है, मैथ भी बता रहा था बिल्कुल ही, मैथ बेसिक बता रहा था और रीजनिंग बेसिक बता रहा था, बाकी रीजनिंग जीके और यही बता रहा था, आउट ऑफ सिलेबस था। सो ये चीज़ था, मैं बता दूं कि ये एग्ज़ाम देने के बाद रियलिटी बताऊं कोई फ़ायदा नहीं है गाइस, क्योंकि जो सीट है ना, जो भी सीट है आप जानते हैं, ये टाटा स्टील का एग्ज़ाम है गाइस, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, सो प्लीज़ नहीं कहीं शेयर कीजिएगा ज़्यादा। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, जो सीट है ना आप जानते हैं ना कि हर चीज़ आज के डेट में ना क्या होता है कि भाई पैसा दो तमाशा देखो, एक रियलिटी बात ये है। तो इसमें से फिक्स है कि बहुत ऐसे आदमी होंगे जो जुगाड़ लगा लिए होंगे, इसीलिए इसमें कोई टेंशन ही नहीं है टाटा वाला को। ठीक है, अगर एग्ज़ाम अगर अच्छा से होता तो फिक्स है यार, जैसा होना चाहिए टाटा वाला स्टॉल एग्ज़ाम उस हिसाब से लेता, बट ऐसा कुछ भी नहीं लिया, जैसे मन तैसा ले रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप लोग भी जानते होंगे कि भाई ऑलरेडी सीट सारा ऐसे ही है, कुछ आवामी ही जा रहा है, कोई नहीं, आप लोग का एग्ज़ाम जाके दीजिए, ऐसा नहीं कि सारा, 2-3 सीट ही ऐसा होता है जो रिजर्व होता है। बाकी बात ये सब चीज़ पे मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, सो सॉरी, आप लोग इस पर आप लोग इस बात को दिल पर नहीं लीजिएगा। मैं बता दूँ आंसर की का बात करें और रिजल्ट का बात करें, जल्दी ही अपलोड होगी, इवन 10 दिन के अंदर ही में भी आंसर की अपलोड कर दिया जाएगा। अगर कुछ भी कर रहा है टाटा स्टील वाले तो मैं आप लोग को तुरंत अवेयर कर दूंगा। प्लीज़ आप लोग बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हो सके तो शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं बेचक आप लोग मुझे बता सकते हैं। बाय बाय।